वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ द टोटल करंट इज 2.25 पॉइंट टू टोटल करंट टू पॉइंट मतलब ये जो सर्किट में करंट फ्लोर है ये टू पॉइंट है पर हमें ये एक ब्रांच से करंट निकालना है मतलब जहाँ पे ये I1 वन एक है और I2 ये दूसरा ब्रांच है इसमें से हमें करंट निकालना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है ये जो मैं फर्स्ट ब्रांच लेता हूँ तो यहाँ पे मैं करंट निकालने के लिए क्या करूँगा आई इजिकल्स टू वी अपॉन आर ठीक है ये टेन वोल्ट यहाँ पे है तो ये दोनों पैरेलल सर्किट है पैरेलल में वोल्टेज होता है कांस्टेंट तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमें ये सर्किट का वोल्टेज दिया है टेन वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलता है इस ब्रांच से आई वन से ये टू प्लस एट होता है तो फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा टेन अपॉन टेन इक्वल्स टू ये होगा वन एम्पियर ये हमें करंट मिलेगा ठीक है अभी ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल करंट आई टी इज इक्वल्स टू I1 वन प्लस आई तो मुझे अभी यहाँ पे जो करंट मिला ये है I1 I1 मिला मुझे वन और टोटल दिया हुआ है टू पॉइंट टू फाइव और फिर मुझे यहाँ से मिलेगा I2 तो I2 निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ I2 टू इज़ इक्वल्स टू टू पॉइंट टू फाइव माइनस वन तो मुझे यहाँ पे मिलेगा I2 टू इज़ इक्वल्स टू वन पॉइंट टू फाइव मुझे ये करंट यहाँ पे मिलेगा मतलब मुझे I1 मिला वन एम्पियर और I2 मिला वन पॉइंट तो फाइव एमपियर तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ऑप्शन में दिया है C1 एक दिया है कि वन एम्पियर बाकी कई भी नहीं है तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन C ठीक है तो हम नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें दिया है ए सप्लाई ऑफ वन टी वोल्ट इज अप्लाइड टू द थ्री लैम्प कनेक्टेड इन पैरेलल द पावर रेटिंग ऑफ द लैम्प्स आर सिक्सटी वैट 40 वैट एंड 100 वैट डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट यहाँ पे हम एक डायग्राम देखेंगे डायग्राम में हम ये देखेंगे कि थ्री लैम्प हमने कनेक्ट किए हैं एक 60 वैट 40 वैट और 100 वैट का लैम्प है ठीक है हमने ये वोल्टेज दिया है इसको 120 वोल्ट तो हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस और करंट निकालना है उसके लिए हम रजिस्टेंस वन बाई वन एक सर्किट का निकालेंगे फिर टोटल रजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट निकालेंगे जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसको यूज करूँगा पी इज इकल टू वी स्क्वेयर आर मतलब आर इज इकल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी हमें ये मिलेगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ ये वोल्टेज है हमें वन ट्वेंटी दिया हुआ है मल्टीप्लाई में फिर से वन ट्वेंटी करता हूँ क्योंकि ये स्क्वेयर है इसलिए मैंने इसको दो बार लिया पावर हमें दिया है ये सिक्सटी वैट तो सिक्सटी वन जो सिक्सटी और ये सिक्सटी टू जै वन ट्वेंटी तो ये हमें मिलेगा ये ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी इंटू टू ये मिलेगा टू फोर्टी यहाँ पे ये यह ओम ये रेजिस्टेंस हमने निकाला वैसे हम सेम फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे सेकेंड टाइम वही निकालेंगे तो इसमें मैं क्या करता हूँ वोल्टेज हमें दे दिया है ये है वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी इसमें हमें यहाँ पे पावर दी है ये फोर्टी दी है तो फोर्टी वन दटी और फोर्टी थ्री दा हो, होगा वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी इंटू थ्री हमें यहाँ पे मिलने वाला है थ्री सिक्सटी ओम हमें ये सेकेंड रेजिस्टेंस का मिला ठीक है तो फिर थर्ड के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम वैसे यूज करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे वी स्क्र मतलब वोल्टेज हमें दिया है वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी फिर से हमें पावर यहाँ पे दी है ये हंड्रेड तो ये दो जीरो में कैंसिल कर देता हूँ और ये जीरो कैंसिल करने के बाद ट्वेल्व का हमें स्क्वेयर निकालना है ट्वेल्व का स्क्यर है वन फोर्टी फोर ओम ये थ्री रजिस्टेंस हमें मिला तो ये रजिस्टेंस है पैरल में जो आर वन पैरल यहाँ पे आर टू पैरल और ये आर थ्री ये तीनों क्या है पैरल है तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ वन अपॉन आर टी आपको क्या लिखना है यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वन अपॉन टू फोर्टी इसको पैरल में आपको निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या मिलेगा फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्री सिक्सटी फिर से आपको यहाँ पे मिलेगा ये वन अपॉन वन फोर्टी फोर तो अगर आप इसका एल सी एम निकालोगे तो आपको ये डायरेक्टली कितना मिलेगा सेवन ट्वेंटी और आप टू फोर्टी को सेवन ट्वेंटी से यहाँ पे डिवाइड करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ये थ्री ये थ्री सिक्सटी का प्लस ये टू और ये आप पे मिलेगा फाइव ठीक है फिर इक्वल टू आप यहाँ पे निकालोगे तो आपको ये मिलेगा सेवन ट्वेंटी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आर टीव टू ये सेवनटी और अपॉन ये थ्री प्लस टू फाइव प्लस फाइव टेन फिर ये जीरो ये ये कैंसल फिर आर टी आपको टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा सेवेंटी टू ये है ओम ये आपको फाइनल आंसर आर टी का मिलेगा तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हम करंट निकालेंगे यहाँ पे करंट इज इक्वल्स टू हम क्या निकाले वी अपॉन आर टी ये जो हमने निकाला ये आर टी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो वोल्टेज हमें फिर से 120 दिया है और ये हमें दिया है 72 तो हम यहाँ पे करंट जो निकालेंगे करंट हमें यहाँ पे मिलेगा ये है 72 वन जे 72 और 72 टू टू जे करोगे आप 140 के आगे जाएगा तो ये वन पॉइंट आपको ये मिलेगा सिक्स सेवन ये है एमपीयर ये आपको फाइनल आंसर करंट का ये मिलेगा ठीक है हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें दिया है थर्ड वन इफ़ आर वन इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट टी वन एंड आर जीरो एट टी जीरो एंड को इफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट टी ज़ीरो इज अल्फ़ा जीरो द रिलेशन बिटवीन दिस क्वान्टिटी इज़ ये सिंपल आपको एक फार्मूला पूछा है तो आपको पहले रेजिस्टेंस दिया है आर वन तो आपको ये आर वन यहाँ पे लिखना है आर वन फिर इक्वल्स टू बाद में आप लिखोगे आर जीरो ठीक है फिर आपको यहाँ पे लिखना है ये प्लस ये अल्फ़ा ज़ीरो ठीक है ये फिर आपको टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस आएगा T1 वन माइनस टी ठीक है फिर आपको ये T0 निकालने के बाद आपको अपने तो यहाँ पे R0 लिया है आपको फिर से यहाँ पे लेना पड़ेगा R0 आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा ठीक है तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा देखो R1 कभी भी ये बड़ा ये बाहर चाहिए आर वन पे आउटसाइड में मतलब देखो अभी ये आर जीरो यहाँ पे तो ये आंसर कभी नहीं होगा और यहाँ पे कभी भी टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए हमें दो टेम्परेचर दिए हैं टी वन और टी ज़ीरो इसका ये डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे क्या किया प्लस किया है तो ये भी कभी नहीं होगा तो हमारे पास अभी दो ही ऑप्शन बचे हैं यहाँ पे क्या किया इन्होंने यहाँ पे जो आर जीरो इसके लिए नहीं लिया सिर्फ फर्स्ट लिया है तो इसके लिए हमें दोनों के लिए आर जीरो चाहिए तो फिर हमारा ऑप्शन राइट होगा ये ऑप्शन होगा ए तो हम

सेवन फाइव मल्टीप्लाई टेन रेस टू माइनस एट ठीक है ये मुझे रेजिस्टिविटी दी है और लेंथ मुझे क्या दी है लेंथ हम देखेंगे यहाँ पे है वन किलोमीटर स्ट्रीप ये मुझे लेंथ दी है तो मैं इसको क्या करता हूँ ये ये थाउजेंड यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है ये डिवाइड फिर मुझे एरिया जो दिया है हम एरिया देखेंगे एरिया दिया है मुझे ये टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है तो ये मुझे मीटर में करना पड़ेगा उसके लिए मैं करता हूँ टेन रेस टू माइनस टू फिर मुझे दिया है मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन रेस टू फिर से यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस टू ये मीटर तो मैं यहाँ से ये थ्री जीरो कैंसल यहाँ से भी थ्री कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा फाइव तो मैं और एक स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पे है वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू ये है माइनस फाइव अपॉन ये आएगा टू पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव और ये क्या करूंगा मैं ये माइनस टू माइनस टू ऐड करके यहाँ पे टेन रेस टू माइनस फोर लिख लूंगा अब ये टेन रेस टू माइनस फोर ऊपर जाके यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा फिर ये कैंसल होगा जैसे मैं एक स्टेप और लिखता हूँ वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव इंटू टेन रेस टू ये प्लस फोर ठीक है ये ऊपर नोमिनेटर नोमिनेटर में जाके प्लस हो गया है ये टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ठीक है यहाँ पे और हमें क्या मिलेगा वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू ये होगा फिर टेन डिस टू माइनस वन तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसका भी पॉइंट ये एक डेसिमल और ये दो डेसिमल मूव करता हूँ तो मुझे ये ट्वेंटी फाइव यहाँ पे और ये मिलेगा ये फाइव ठीक है इन कितना मूव किया हमने थ्री ये मिलेगा मुझे टेन डिश टू माइनस थ्री फिर से ये ऊपर जाएगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस वन इंटू टेन रेस टू ये प्लस थ्री हो जाएगा ठीक है अपॉन ये ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव ये कितना मिलेगा आपको वन ट्वेंटी फाइव ठीक है फिर यहाँ पे ये प्लस थ्री है ये माइनस वन आपको मिलेगा वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू प्लस टू अपॉन वन ट्वेंटी फाइव फिर यहाँ पर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा दो डेसिमल मूव करके टेन रेस टू टू का भी कैंसिल करूँगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर मुझे मिलेगा वन सेवेंटी फाइव अपन वन ट्वेंटी फाइव ये मुझे यहाँ पे मिलेगा फिर इसका आपको लास्ट में आंसर मिलेगा ये वन ट्वेंटी फाइव वनजा वन ट्वेंटी फाइव फिर बाद में पॉइंट फोर ओम आपको ये आंसर रेजिस्टेंस का यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए ठीक है हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दिया है फाइन द करंट आई वन एंड वोल्टेज बी टू इन द गिवन नेटवर्क तो यहाँ पे जो दिया है हमें ये आई वन दिया है यहाँ पे और ये वोल्टेज यहाँ पे दिया है तो हम क्या करते हैं ये जो नोड है हमारा यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस यूज़ करेंगे और यहाँ से ये वोल्टेज निकालेंगे तो हम पहले आई वन निकालते हैं हमें आई वन पूछा है तो यहाँ पे देखो ये एक मुझे ये डायरेक्शन मिलती है करंट की ये एक डायरेक्शन मिलती है ठीक है और मैं क्या करता हूँ ये डा ये डायरेक्शन लेता हूँ ठीक है और ये डायरेक्शन यहाँ पे मिलती है तो मैं पहले ये डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वन ठीक है ये डायरेक्ट करंट मुझे मिला है यहाँ पे मुझे मिलेगा ये भी क्या हो रहा है टूअर्स नॉर्थ की तरफ आ रही है इसलिए पॉजिटिव लिया ये कहाँ पे जा रहा है ये टू जा रहा है तो इसको भी मैं प्लस टू लेता हूँ ये आगे जा रहा है तो इसको मैं क्या करता हूँ माइनस थ्री पॉइंट फाइव इक्वल्स टू जीरो तो फिर आगे की स्टेप में लिखता हूँ आई वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री पॉइंट फाइव फिर से आई वन इज टू थ्री पॉइंट फाइव माइनस टू तो फिर आई वन मुझे मिलेगा ये थ्री से टू जाएगा तो वन और ये पॉइंट फाइव ये मुझे आई वन की वैल्यू मिलेगी तो मुझे यहाँ पे और निकालना है वी टू तो देखो अभी ये वोल्टेज और ये वोल्टेज डायरेक्टली वी टू के एकरॉस है और ये क्या हो रहा है ये जो कनेक्ट किया है ये प्लस माइनस प्लस माइनस एक ही डायरेक्शन में इसका वोल्टेज जाने वाला है एक्रॉस ये वी टू के लिए फिर ये थर्टी टू और ये प्लस ये है फोर्टीन ठीक है फिर यहाँ पे आपको कितना मिलेगा फोर प्लस टू ये सिक्स और थ्री वन थ्री प्लस वन यहाँ पे मिलेगा ये फोर ये फोर्टी सिक्स वोल्ट आपको मिलेगा ठीक है तो फिर यहाँ पे आंसर हम चेक करेंगे वन पॉइंट फाइव ये पॉजिटिव है तो ये आंसर नहीं रहने वाला वन पॉइंट फाइव यहाँ पे भी है और ये अलग है बी अलग है तो मुझे डी और ए में है और यहाँ पे फिर से वोल्टेज ये है माइनस फिर ये भी नहीं होगा तो हमारा लास्ट आंसर या राइट आंसर ये होगा कि हमें ये ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है ठीक है हम नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज हैज न्यूटन एज इट्स यूनिट न्यूटन का ऐसा यूनिट हमें मालूम है ये जो होता है ये होता है फोर्स ठीक है यहाँ पे एनर्जी जूल मिलेगा आपको पावर का भी बैठे टॉर्क का भी न्यूटन मीटर वगैरह ये सब यूनिट आने वाला है पर हमें न्यूटन जो दिया है फोर्स का दिया है बाद में हम देखेंगे लेट वी टी बी द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट एंड आई टी द करस्पॉन्डिंग करंट पासिस थ्रू दैट एलिमेंट हाउ वुड वन कंप्यूट द एनर्जी कंज्यूम बाय दैट एलिमेंट मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे एनर्जी निकालना है हमें मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मुझे ये मालूम है पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू ये होता है ये एनर्जी अपॉन यहाँ पे होता है टाइम तो क्या करता हूँ मैं सिर्फ इसको यहाँ पे डेरिवेटिव लिखता हूँ डी ई बाई डी टी तो हमें यहाँ पे पूछी है एनर्जी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ पी डी टी ठीक है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा ये पी जो है पावर हमें मालूम है यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी इजिकल्स टू वी आई ठीक है तो फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा पी इजिकल्स टू यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ बी टी या पे आई टी इंटू ये है डी टी तो फिर मुझे यहाँ पे ये आपको ये लिखना है कि शॉर्टली आपको ये मिलेगा एनर्जी इज इक्वल्स टू V into I. भी है आपको ये वी इंटू आई आपको कहा मिलेगा हम ये चेक करेंगे यहाँ पे ये दिया है बाकी आपने ये ध्यान भी नहीं दिया इंटीग्रेशन क्या क्योंकि देखो ये भी अपन आई आपको नहीं मिलेगा v प्लस आई भी आपको नहीं मिलेगा v अपन आई नहीं मिलेगा v इंटू आई सी बाकी इंटीग्रेशन ये देखना भी नहीं आपको तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें हमें दिया है इन एन एलिमेंट इफ ए डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू गि डिफरेंशियल एनर्जी डी डब्ल्यू देन द राइज इन पोटेंशियल ऑफ द चार्ज इज़ आपको इसमें सिर्फ ये लिखना है कि आपको यहाँ पे वोल्टेज बताना है हमें वोल्टेज का फार्मूला मालूम है वी इजिकल्स टू ये होता है एनर्जी और ये अपॉन में आपको आएगा चार्ज ठीक है तो आपको ये सिर्फ ये देखना है कि एनर्जी के लिए हम लिखेंगे ये है डी डब्ल्यू जैसे वर्क डन और चार्ज के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे है डी क्यू तो फिर हमें ये कहाँ पे मिलता है ये मिलता है हमें ऑप्शन नंबर ए इसमें ये मिलता है तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे दिया है फाइंड आर ए बी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर ये सर्किट दिया हुआ है तो मैंने ये सर्किट इसको कन्वर्ट करके इसमें लिख लिया है मतलब मैंने यहाँ पे किया है जो ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें से जो करंट फ्लो होगा ये ज़ीरो होगा क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस आउटर रेजिस्टेंस है ये बैलेंस हो रहे हैं ये बैलेंस होने के बाद जो हम देखते हैं बैलेंस ब्रिज होता है तो जो सेंटर में रजिस्टेंस होता है या तो सेंटर से करंट जो फ्लो होता है वो जीरो होता है इसलिए हम इसको कट करके फिर ये ट्वेंटी और टेन मिनट से मैच इट इज़ यहाँ पे लिखा और ये थर्टी और ये फिफ्टीन ओम यहाँ पे लिखा है तो हमें इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना है तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर ए बी इज इक्वल्स टू इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ये है ट्वेंटी और टेन इसके लिए ये थर्टी और पैरेलल यहाँ पे है थर्टी प्लस फिफ्टीन ये है फोर्टी फाइव फिर मुझे यहाँ पे मैं लिखूंगा वन अपॉन आर ए बी स्टेप में ज्यादा लेता हूँ ये है वन अपॉन थर्टी प्लस वन अपॉन फोर्टी फाइव ये मुझे मिलेगा तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये आर ए बी इज इक्वल्स टू थर्टी मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव और इसका एडिशन थर्टी प्लस फोर्टी फाइव ठीक है तो मैं ये रेंज देता हूँ थर्टी मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव मुझे यहाँ पे जो मिलेगा ये है ये थर्टी और ये फोटी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी और ये मुझे, मुझे मिलेगा सेवेंटी फाइव तो ये मैं इसको डिवाइड करूंगा ये फाइव से फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव ये होगा फ़ाइव वन जा फाइव टू फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन और फिफ्टीन टू जा थर्टी नाइन टू जा ये कितना मिलेगा मुझे एटीन ओम ये रजिस्टर्स मुझे यहाँ पे ये मिलेगा ये हमारा ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए तो हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दिया है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टेज द कैपेसिटर ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट कंडीशन तो देखो अभी कभी भी ये कैपेसिटर्स के ए्रॉस कितना वोल्टेज होता है पर वोल्टेज कब पूछा है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है तब स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये होता है ओपन सर्किट ठीक है ये कैपेसिटर होता है ओपन तो इसके एक्रॉस डायरेक्टली आपको जो वोल्टेज मिलेगा ये मिलेगा आपको ट्वेल्व वोल्ट और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर ऑप्शन में दिया है डी ठीक है हम यहां पे रुकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ